सीएम दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। इतने नाराज हुए कि कार्यकर्ताओं को खुद हॉल से बाहर निकाला, गेट बंद करवा दिया। दिग्विजय सिंह की इस हरकत को लेकर अब बीजेपी तंज कस रही है। जो यहाँ पर होगा उसको बाहर करो, उससे मैं नहीं मिलने वाला। चलो भैया, ओ नेता, चल चलो। मौका था इंदौर में दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हॉल में मीडिया थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि फौरन हॉल खाली करो, जो हॉल के बाहर रहेगा मैं सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। निराश कार्यकर्ता धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई दिग्विजय सिंह ने देखा कुछ कार्यकर्ता अब भी मौजूद हैं। फिर क्या था, उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे खुद उठे और बाकी बचे कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के बाद जब वो वापस कुर्सी पर लौटे तो कहा कि कांग्रेस में अनुशासन आ जाए तो कभी चुनाव पार्टी नहीं हारेगी। कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस रवैये पर बीजेपी तंज कसना शुरू कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ ये दिग्विजय सिंह की मोहब्बत की दुकान है। देखिए, कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। यह इनकी मोहब्बत की दुकान है। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। बहरहाल ये कांग्रेस तय करेगी कि अनुशासन के नाम पर कार्यकर्ताओं से ऐसा सलूक कितना सही है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमला बोलने का सुनहरा मौका जरूर मिल गया। अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18, इंदौर। तो 2014 के इलेक्शन के बाद से कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर अविश्वास जाहिर करती आ रही है और एक के बाद एक हर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। हाल ही में कांग्रेस को कर्नाटक में शानदार जीत मिली है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में नजदीक आते चुनावों के साथ ईवीएम का चिन्ह एक बार फिर से बाहर निकल आया है। कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। पार्टी चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं। दरअसल साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। पार्टी ने हर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। हालांकि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत मिली, लेकिन फिर भी एमपी में बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही है। ईवीएम पर भरोसा बढ़ने वाली बात का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं है। ईवीएम की जो बात है, जो शिकायत है, वो आज भी अपनी जगह पर है। सवाल इस बात का उठता है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, लोगों ने हर चुनाव में ईवीएम टूटी फूटी मिलती है, चोरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें हेराफेरी हो जाती है, सारी चीज़ों के जो संदेह हैं वो आज ही बने हुए हैं। अगर लोकतंत्र में ईमानदारी के साथ हम विश्वास कराना चाहते हैं, आम जनता का दिल जीतना चाहते हैं, तो बहुत हो गया। आप इतनी बार ईवीएम से चुनाव करा चुके हैं, एक बार मतपत्र से करा लीजिए, दूसरा दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी मांग अपनी जगह आज भी कायम है। ईवीएम पर संदेह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उधर कांग्रेस के ईवीएम राग पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया। बीजेपी ने कांग्रेस पर दो मुही बातें करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सदैव दो मुही बातें करती है, डबल स्टैंडर्ड की बात करती है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की नीति, ये डबल स्टैंडर्ड की नीति है और उसी के तहत जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में खोट निकालते हैं, और किसी राज्य में चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो ये कांग्रेस का पुराना शगल है, जब जब भी ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तब ये मान्य परंपराओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। जब इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, चुनाव निरस्त होता है तो देश में इमरजेंसी थोप दी जाती है, न्याय प्रणाली के ऊपर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। जब ईडी इस देश की कार्रवाई करते करते राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक कार्रवाई करते हुए पहुंच जाती है तो ईडी को फिर भाजपा का एजेंट बोलने का काम भी यही कांग्रेस के लोग करते हैं।
कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ भी है, कांग्रेस का संगठन वहाँ वहाँ मान्य परंपराओं को सर्टिफिकेट जारी करता है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ का संगठन मान्य परंपराओं को और संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बहरहाल कांग्रेस की इन चिंताओं के बीच ये तय हो चुका है कि एमपी में विधानसभा के चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। 7 जून से ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 दिन में सभी मशीनों की चेकिंग हो जाएगी। चिंताओं को देखते हुए वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग के साथ राजनीतिक दलों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से ईवीएम को चेक किया जाएगा। इस दौरान जिन मशीनों में गड़बड़ी पाई जाएगी उन्हें बदला भी जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, भोपाल।